हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत करता हूँ। हमने दो टॉपिक पढ़ लिए, अब तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्ब और वर्बमूल। ठीक है, अब इसमें क्या हमें देखो, सबसे आसान तरीका पहले तो ये 30 तक, मतलब 30 तक हमें इनके वर्ग याद होने चाहिए। मतलब सर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इसी तरीके से हमें 30 के वर्ग तक याद होने चाहिए। मतलब 30 का स्क्वायर कितना होता है, तो आसान रहता है क्वेश्चन सोल्व करना। ठीक है, अगर अब देखो हम इन्हें निकाल सकते हैं। वैसे ट्रिक से सबसे पहले हमें ट्रिक है, जब इकाई का अंक 5 हो, जैसा हमें इकाई का अंक 5 है, जैसा हमें पता है 5 का स्क्वायर तो 5 ही, मतलब कितना होता है 25 होता है। ठीक है, अगर हम निकालें 15 का स्क्वायर तब क्या करना है। ठीक है, 15 का स्क्वायर, अब हमें इसमें ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या लगानी है, देखो 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, अब जो यहाँ अंक बचा, इससे ढाई वाला अंक जो बचा, इसको क्या करेंगे, इसका जो अंक यहाँ इससे अगली संख्या से बड़ा करना है। इससे हमारा 1 है, इससे अगली संख्या जाती है 2, अब 2 से 1 का गुणा कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार की हमारा 25 हो, 25 का स्क्वायर निकालना, हमें पता 5 का स्क्वायर तो 25 ही आएगा। ठीक है, अब 2 आए, 2 से अगली संख्या कितनी होगी, 3, अब 3 का गुणा 2 3 6। ठीक है, उसी प्रकार यदि 35 हो, 5 का स्क्वायर कितना आएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना, 3 3 से अगली संख्या 4 4 से 3 जो कि 12। ठीक है, उसी प्रकार मतलब जिसका भी इकाई अंक 5 हो, हमें पहले 5 का स्क्वायर कर लेना, बाकी जो भी बचा उसका उससे अगली संख्या से गुणा कर देना। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मतलब जिसका भी इकाई अंक 5 होगा इसी ट्रिक से हो जाएंगे। ठीक है, अगला टाइप क्या होगा, जब इकाई का अंक 1 हो, जब इकाई का अंक 1 हो, इकाई का अंक 1 कैसे, सबसे पहले तो 1 ही आता, 1 का स्क्वायर करते कितना आता है 1। ठीक है, अगर हमें 11 है, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना, देखो 1 का स्क्वायर करो कितना आएगा, लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, उसी उसके बाद जो इधर अंक बचा उसका डबल करो, 1 का डबल करेंगे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। इसके बाद इसका स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, अगर हमारा हो 21। ठीक है, 21 का स्क्वायर निकालना, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का डबल करो मतलब 2 से गुणा करना, जो इधर अंक बचेगा उसका 2 से गुणा करना, 2 2 4। ठीक है, अब 2 स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है, उसी प्रकार से हमें 31 करना, मतलब 31 का स्क्वायर निकालना, 1 का स्क्वायर मतलब लास्ट में 1 आएगा, हमें ये तो पता है। 3 का डबल करो मतलब 3 का 2 से गुणा करना, 3 2 6। अब जो अंक इधर बचा, 1 से इधर बच गया, उसका क्या करना, उसका उसी का वर्ग कर देना, 3 3 3 3 9। ठीक है, 9 से 1 करके देखो, 31 का स्क्वायर 9 से 1, 31 का स्क्वायर मैंने नहीं लिखा, वैसे 31 का स्क्वायर 9 से 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार से 41 का निकालना, 41 का स्क्वायर निकाल, 41 का निकालेंगे, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, लास्ट में 1 आएगा, अब 4 आए, अब 4 का डबल करो 4 2 8। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करना, 4 चौके 16, तो 16 से 81 हो गया 41 का, मतलब जिस भी संख्या के लास्ट में 1 हो, इकाई का अंक 1 हो, उसका उसको उसके लिए हम ये वाला ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगला टाइप हमारा, जब प्रत्येक अंक 9 हो, जब प्रत्येक 9 हो, जैसे हमारा पहले 9 है ना, 9 का स्क्वायर निकालना, अब 9 का स्क्वायर सबको पता होगा, 9 का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर कैसे होता है। ठीक है, उसी प्रकार और 9 का अगर हमें निकालना 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर क्या करना है, हमें क्या करना है, 1 माइनस कर देना, हमारे 1 माइनस करें कितना आएगा, 98 आएगा। अब 98 आया, और अब 98 कितने हो, यहाँ पर 1 नौ, इसलिए यहाँ पर 1 0 आया, तो एक लास्ट में 1 आना, इसको ध्यान देंगे। ठीक है, यदि हमें निकालना 999 का स्क्वायर निकालना, क्या करना, देखो अगर हम इसमें से 1 माइनस करें कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 998। ठीक है, कितने नौ हैं यहाँ, 2 0 2 9 है, तो 2 0 लगा दो, लास्ट में 1 आना, इसको ध्यान रखना। उसी प्रकार यदि 4 9 हो तो कैसे निकाल के, देखो इसमें 1 माइनस 4 कितना बचेगा, 9998 बचेगा। ठीक है, कितने नौ हैं यहाँ पर, 3, तो 3 0 लगा दो, यहाँ पर लास्ट में 11 आएगा ना। उसी प्रकार हमें 11 से लेकर मतलब 10 से लेकर वो 99 तक, मतलब जब भी हमें 2 डिजिट का स्क्वायर निकालना हो, तब इसमें ये ट्रिक जो सभी पे अप्लाई, चाहे हमारा लास्ट में 1 है 5 है 6 है, कुछ भी है, कुछ भी हो, तो लास्ट में हमारा हमारे 2 डिजिट के भी इवेंटी की अप्लाई होगी। देखो जैसे हमें निकालना है, जैसे हमें 11 हमें निकालना हो, मान 11 का स्क्वायर निकालना, 11 का स्क्वायर निकालना, तो लास्ट अंक, लास्ट अंक का स्क्वायर, लास्ट अंक क्या हमारा 1। ठीक है, लेकिन हमें याद रखना है, हमें 2 अंक लेने, मतलब 2 अंक लेने, हमारे पास तो 1 है, तो इसलिए 0 लगा लेंगे यहाँ पर, इसका स्क्वायर करो, इधर वाले का 1 आएगा। अब उसके बाद क्या करना है, ये जो भी अंक है इनको अलग अलग मानकर इनकी गुणा करनी है। देखो 1 का 1 स्क्वायर 1 1 और 1 2, मतलब कितना जाएगा 2, इधर से 1 अंक छोड़कर जोड़ देना, देखो कितना जाएगा 1 2 और 1, तो कितना आएगा 121। उसी प्रकार हमारा यदि हो, जैसे हमारा वो 15, ठीक है, अब 5 का स्क्वायर करो, हमें 15 का स्क्वायर निकालना, क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ देखो 0 वाली जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले से ऑलरेडी 2 0, मतलब 2 अंक है, यहाँ 0 वाली जरूरत नहीं पड़ी। उसके बाद क्या करना, 1 5 10 10 जोड़ देना, 1 अंक छोड़ दिया। ठीक है, देखो 5 2 2 225 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से मैं निकाल रहा हूँ कितने बड़े नंबर, उसमें 2 अंक का कितना ही बड़ा नंबर हो, इसी ट्रिक से हम निकाल सकते हैं। देखो जैसे हमारा 37 हो, अब हमें 37 का स्क्वायर निकालना, अब 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ तो 2 मिनट पहले से जुड़ाई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बड़ा हो 7 3 से 23 21 42 42 छोड़ना, कहाँ से, इधर से छोड़ कर
ठीक है, 9, 4, 2, 6 नोट 4, 13 मतलब कितना आ गया 1300 तक, ठीक है। उसी प्रकार क्वेश्चन आई थी हमारा 97 का स्क्वायर निकाल रहा, ठीक है, 7 पावर 49, 9 पावर 81, ठीक है। अब सबको होना दो 9 से 26 जोड़ना है, 126, ठीक है, 9, 7, 6, 4, 10 का 0, 5, 1, 3, 1, 2, 3, 4 और 9, 8, 1, 9, ठीक है, कितना हो गया 9400 इसका स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार यदि क्वेश्चन हो हमारा मान लेते हैं 79 का स्क्वायर निकाल, ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना आया, 9, 9, 81 होता, 7 का स्क्वायर करेंगे 7, 7, 74, ठीक है, बड़ा करो सबका, 9, 7, 63, 26 हो जाएगा, इधर से 126 जोड़ना, 126 जोड़ना, ठीक है, यहाँ 8 से 14 का 4 हासिल है, 9 था ना, 9 तो 11 ग्रेट हासिल का, 12 का 2 हासिल, 1, 4 और 5 और 6 कितना होता है 6,742 इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये ट्रिक जो हमारी जो टू डिजिट वाली है, सब में अप्लाई होगी, मतलब जो भी दो डिजिट का अंक होगा उसमें सब में अप्लाई होगी, मतलब हम 10 से लेकर 99 तक का स्क्वायर इसी ट्रिक से निकाल सकते हैं। अब देखो 3 डिजिट वाले ना, जो हमारे 3 डिजिट आए, वैसे हम इस ट्रिक से आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम ज्यादातर इसको अप्लाई करके 99 तक, क्योंकि 99 तक ये आसान होता है, थोड़ा सा आगे चलते हार्ड लगने लगता है। अब 3 डिजिट में कैसा, जैसे हमारे निकालना, यदि मान लिया हमने 111 का स्क्वायर निकाला, तब क्या करेंगे 111 का स्क्वायर, वैसे इसमें लास्ट डिजिट 1 भी है, इसको हम उस ट्रिक से निकाल सकते हैं, है ना, 1 वाली ट्रिक से। अब जैसा मैं बताया, इसके पास में ये अगर हमारा 3 डिजिट वाला अंक आ जाए, इसमें हम ये देखेंगे कि इसके इस वाले नंबर के पास में कौन सा नंबर 0 लेके बैठा, इस वाले नंबर के पास में कौन सा नंबर 0 लेके बैठा, तो इसमें ये पता है अगर यहाँ 111 है तो इससे पहले 100 है, अब इससे पहले 100 है, तो इसका मतलब हमें अगर हमें 100 पर जाना तो माइनस का 11 करना पड़ेगा, अब हमने माइनस का 11 करा तो प्लस का 11 करना पड़ेगा, मतलब अगर हमें जितना घटाया है उतने ही में जोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ जो भी जितना नंबर घटाएंगे जोड़ेंगे उसी का स्क्वायर करना कितना आएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, ठीक है, 11 का स्क्वायर 121 है। उसके बाद अब यदि हम 111 में से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा 100 बचेगा, पूरा जो अगर हम 111 में 11 घटाएंगे कितना 122 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना, यहाँ हमेशा हमें 2 अंक लेने होते हैं ना, 2 अंक लेने होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ हमेशा हमें 2 अंक लेने होंगे। अब 2 अंक हमसे ये होंगे, अब जब 2 अंक लेना तो हम दो 0 वाले से भाग कर देंगे, मतलब हमें जितने अंक लेने उतने 0 से भाग करना, मतलब 100 से भाग करेंगे, आप 100 से भाग करेंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, अब बचा कितना हमारा 122, करके 122 और इधर बचा हमारा 100, इधर तो हमारा 121 है ना, इधर तो 121, यहाँ से ना 2 अंक ले लेंगे। अब जिसका आंसर आया कितना आएगा 2 अंक तो ये वाले, ठीक है। अब जो बाकी अंक बचे उधर इधर को कैरी कर लेना, 1 बचा 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 और 12 है, ठीक है, इसका आंसर आ गया 12, 321, ठीक है। उसी प्रकार यदि मैं निकाल रहा हूँ 175 का स्क्वायर, वैसे तो आसान है 175 का निकालना, चलो बड़ा नंबर लेते हैं 179 ले लेते हैं, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना। अब देखो मैं इसका इसके बारे में हमें पता है कि इसके पास कौन सा नंबर 0 लेके बैठा, 200 है ना, 200, तो 200 में कितना कम है, ये 200 में माइनस कितना कम है हमारा 200 में 21 कम है, और 21 अगर हमें 21 घटा तो 21 जोड़ दो, 21 का स्क्वायर कितना होता है 447, ये हमें याद रखना पड़ेगा, अगर हमारे 30 तक याद है तो हमारे ये क्वेश्चन आगे वाले सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो यदि हम 179 में 21 अगर हम 21 ऐड करें कितना बनेगा 200 बनेगा, ठीक है, अगर 21 घटाएं तो कितना बनेगा हमारा, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ बचेगा 6, यहाँ मतलब हमारा बचेगा 168, यहाँ पर हमारा 5 बचेगा 158 बचेगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ 2 अंक लेना, 2 0 से भाग करना, मतलब 100 से भाग करना पड़ेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसका इससे गुणा करेंगे कितना आएगा 2 8 2 8 16 का 6 15 30 31, मतलब 316 है। अब इधर क्या करना, इधर हमें 2 अंक ले लेंगे, आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर के 2 अंक मतलब 41 ले लिया, अब जो बाकी बचा हमारा इधर को कैरी कर लेना, 4 से 4 6 10 का 0 वहाँ से 1 बचा 20 और 1 और 1 वहाँ से 2 और 3 ऐसे रहेगा, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। इसी बार अगला देखते हैं, अगला क्या देखो 789 जैसे हमें 789 का वर्ग निकाल रहा है, अब हमें पता है इसके पास 0 वाली संख्या कितनी चाहिए, हमें पता है इसके पास 0 वाली संख्या 800 है। अब देखो ये 800 कितना है, 800 नहीं ज्ञात हमें, हमने 11 घटाया 11 ही जोड़ना पड़ेगा, अब इसका स्क्वायर निकालना क्या करेंगे, जो संख्या हमने घटाई और जोड़ी है उसी का स्क्वायर निकालो, कितना हो जाएगा 111 का स्क्वायर 121, ठीक है। अगर हम 789 में 11 ऐड करें कितना बनेगा, 800 बनेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब अगर हम 11 घटाएं तो कितना बनेगा, ये देखो 7 और 7 8 मतलब 778 बनेगा, ठीक है। अब क्या करना, जी वहाँ 2 अंक लेंगे, अब 2 अंक लेंगे तो 2 0 से भाग मतलब है ना 100 से भाग करना पड़ेगा, 100 से भाग करके 2 0 2 0 खत्म, इसका समय मल्टीप्लाई करेंगे देखो 8 से 8 64 का 4 और 8 से 56 और 6 56 और 6 62 हासिल, हाँ हमारे 6 हुआ 8 और 8 से 56 56 और 6 62, ठीक है 62। उसके बाद
नहीं इस कितना जोड़ना है हमें जो आप इसका आंसर निकाला तो हमें पता लास्ट में कितना है, लास्ट में हमारा 21 आएगा, लास्ट में हमारा 21 आएगा जो बाकी बचे थे इधर कैरी हुआ था, एक और चार कितना जाएगा 5 हो गया और 2 ऐसे जाएगा और 2 ऐसे जाएगा 6 ऐसे जाएगा, तो ये हमारा फाइनल आंसर मतलब इसका स्क्वायर 789 का स्क्वायर जो आएगा ये आएगा 62 25 21। ठीक है, उसी प्रकार अगर क्वेश्चन है ऐसे इसके लिए हम ट्रिक अलग से अप्लाई कर सकते हैं। देखो हमें पता अगर हमें इसमें इसमें क्या ट्रिक लगेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब एक जो नंबर 8 बार आया कुछ नहीं करना है, 8 को उसके बाद देखो डिग्री जोड़ में इधर को डिग्री जोड़ में बस इनके नंबर लगा लो लगा लो। ठीक है, जैसे हमारा 8 7 6 5 4 3 2 1 उसी तरह आ कर दो 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, बस इसका स्क्वायर हो गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या हमारा 2 का स्क्वायर है, इसमें क्या करोगे इसको ना इसको हम क्या लिखते हैं 2 गुणा 1 सौ कितने बार है 1 2 3 4 5 6 6 बार है 4 6। ठीक है, इसका स्क्वायर मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं इनका अलग अलग स्क्वायर निकाल कितना हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसका स्क्वायर निकलेंगे कितने 1 2 3 4 5 6 6 में इसमें लिखो 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इसी पर 5 4 3 2 1। ठीक है, अब गुणा कर देना बस 4 का स्क्वायर 4 4 2 8 4 3 12 का 2 4 4 16 17 4 5 20 और 21 का 1 हासिल 2 4 4 3 24 24 का 26 का 6 4 5 20 20 और 2 22 का 2 हासिल 2 4 4 16 16 2 18 हासिल 1 4 3 12 12 13 हासिल 1 12 4 48 और 1 49। ठीक है, इसका स्क्वायर है ये वाला।